सुप्रीम कोर्ट द्वारा पद्मावत को हरी झंडी मिलने के बाद श्री राजपूत करनी सेना के साथ साथ तमाम हिंदुवादी संगठनों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी नाराजगी जताई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्री राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष के साथ साथ महाराणा प्रताप बटालियन के अध्यक्ष ठाकुर अजय सिंह सेंगर भी मौजूद थे और सभी ने एक आवाज में कहा कि फिल्म रिलीज होने तक हम रोज इसका विरोध करेंगे। तो आइए हम आपको सुनाते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान और क्या कुछ फैसला लिया गया। मैं सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का निषेध करते हैं। हमें मालूम है एक ऐसे बोला तो 24 घंटे के अंदर या एक या दो दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट कैसे का डिसीजन ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट का काम था कि गृह मंत्रालय के अंदर उनका रिप्लाई लेने का था। क्या ये फिल्म प्रदर्शित होने के बाद में क्या देश के अंदर हिंसाचार बढ़ सकता था, ये पूछने का काम था। इस फिल्म के अंदर अंबानी का पैसा लगा है और जो अंबानी का जो दामाद है वो भारत सरकार के गवर्नर है। हम आरोप करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है वो अंबानी के प्रेशर के अंडर क्या काम किया है। हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जो आदेश वो निकालने वाले हैं या निकला है उनकी हम होली करने वाले जान हो गए तुम्हें, हमें पता नहीं है। हम पद्मिनी ये फिल्म देश के अंदर हम नहीं लगने देंगे कोई सी हालत के अंदर होने वाली है। हम 26 तारीख को प्रजासत्ताक दिन के ऊपर हम बहिष्कार डालने वाले हैं और हर राजपूत हर हिंदू घर के ऊपर काला झंडा बताने वाला है। ये हटक से हेतु परस्पर इन्होंने बहुत प्लानिंग के साथ में 26 जनवरी के मुंह के ऊपर ये फिल्म का रिलीज का डेट रखे वाला है। हमारा प्रजासत्ताक दिन के ऊपर हमारा बहिष्कार है और हम कहना चाहते हैं माननीय मोदी साहब को, आपको अधिकार है, अगर कुछ देश के अंदर हिंसाचार न बढ़े तो वो माननीय मोदी बीजेपी सरकार ये फिल्म के ऊपर पाबंदी डाल सकती है। उनको पूरा नैतिक अधिकार, उनको खास ऐसी अधिकार इस संविधान ने उन्होंने दिया है। और मैं चाहता हूँ कि ये तो अधिकार केंद्र सरकार को था, अगर चार राज्यों ने अगर पाबंदी डाली तो उन्होंने केंद्र सरकार को डिमांड करने की थी, रूल था। केंद्र सरकार ने पाबंदी नहीं की थी, ये पूरा क्षत्रियों को एक मूर्ख बनाने का एक प्लानिंग था। और क्षत्रिय और वो बीजेपी नहीं चाहती थी कि क्षत्रिय को वोट अपने को ना मिले, अपने को मिले। इस सबसे इन्होंने ये जो प्रकरण है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर फेंक दिया है। हर बार सरकार चलती है जिसमें डिसीजन लेने का पावर नहीं है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर फेंक डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट में क्या चलता है अभी आपने देखा है, चार जजों ने वहां का जो करप्शन है वो पूरा जगजाहिर कर दिया है। मैं चाहता हूं ये अंबानी के प्रेशर के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन लिया है, हम उसका पूरे पूर उनका हम निषेध करते हैं सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट बर्खास्त किया जाए, सुप्रीम कोर्ट की जरूरत नहीं देश के अंदर। सुप्रीम कोर्ट का जो करप्शन है वो पूरा ये उनकी जजों ने सामने लाया है। और मैं पूरे जनता को अपील करता हूं कि 26 जनवरी को ये प्रजातंत्र दिन के ऊपर बहिष्कार डाले, जो हिंदू होगा वो बहिष्कार डालेगा, घर घर के ऊपर काला झंडा लहराएगा। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का हम निषेध करते हैं और छत्रपति शिवाजी की जमीन पर आज महिलाओं का अपमान हो रहा है, हमारी माँ रानी पद्मावती का अपमान हो रहा है। जब गुजरात मध्य प्रदेश राजस्थान में बैन हो गई है तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं बैन हो रही है, क्यों सत्ताधारी पीछे हट रहे हैं। मोदी जी बेटी बचाओ पे काम कर रहे हैं, महिला सक्षमीकरण पे काम कर रहे हैं, 3 तलाक को रोक रहे हैं और नोटबंदी रातों रात बंद कर सकते हैं, तो पद्मावती को क्यों नहीं बंद किया जा रहा है। हमें लगता था कि कांग्रेस ही हिंदू विरोधी है, अभी लग रहा है कि भाजपा भी हिंदू विरोधी है और हम इसका सुप्रीम कोर्ट का निषेध करते हैं। और अगर अगर ये पद्मावती बंद नहीं हुई तो हम मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे और राव साहब दानवे का भी घेराव करेंगे। राजपूतों की ताकत पूरे हिंदुस्तान में 15 करोड़ राजपूत है और 400 जिलों में उसका प्रदर्शन विरोध हुआ है और हर टाइम राजपूतों से एक खिलवाड़ करता है, जिसकी पिताजी ने आपने देखा कि हिंदू धर्म में संजय लीला भंसाली उसका बाप नहीं है, वो उसका बाप का नहीं, वो आपका नहीं, ये पूरा हिंदू समाज का, राजपूतों का नहीं, पूरा हिंदू समाज संस्कृति का पूरा अपमान है। और पूरा हिंदुस्तान में पिक्चर हम नहीं चलने देंगे, वो कुछ भी करे लेकिन हम लोग चलने देंगे नहीं। हमने आपको देखा कि अनिल देसाई शिवसेना का जो है उनको भी कल लेटर दिया हमने और उन्होंने शिवसेना में पूरा सपोर्ट किया है कि हम पूरा आपके साथ में। जनता कर्फ्यू लगा अभी चित्तौड़ में, नहीं देखते दिया पद्मावती में, जनता कर्फ्यू लगा अभी जौहरी स्थल पर चित्तौड़ में, नहीं जाने दिया। 50-50 किलोमीटर तक स्त्रियां सिंदूर लगाती हैं उस पार्टी का, नहीं जाने दिया गया। जनता कर्फ्यू लगा विजय स्तंभ पर, नहीं फोटो देखी होगी आपने पिछले महीने भर में उस विजय स्तंभ चित्तौड़ की, ये जनता कर्फ्यू। जनता कर्फ्यू में आप किस किस को काटेंगे, किस किस को मारेंगे, कितने लोग मरेंगे,
मैं बहुत स्पष्ट हूँ, मरना बना है, मारना जरूरी है इस पद्मावत फिल्म को, और इस पद्मावत फिल्म को तभी मारा जा सकता है जब फिल्म हॉल वाला आपसे सहमत हो जाए। जोधा अकबर के समय में यही व्यवस्था थी, जोधा अकबर पूरे देश में लगी, राजस्थान में आज तक नहीं। तब भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, नोटिस हमारे पास भी आया था, फिल्म नहीं रोक सकते। मैंने, मेरे घर पे पिक्चर हॉल नहीं है, और कोई पिक्चर हॉल वाला लगाए तो उससे पूछ लो। फिल्म हॉल ओनर्स एसोसिएशन एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूटर दे डिनाइड टू स्क्रीन द फिल्म जोधा अकबर, एंड अभी इस पद्मावती या उसमें से IPTC क्या क्या काटा है, तीन लोगों को फिल्म दिखाई सेंसर बोर्ड ने, या उन्होंने जो राय दी उस पर सब कुछ। कपिल कुमार अभी सारे न्यूज चैनल पे होगा, सुदर्शन पे बैठा देखा मैंने, जी पर देखा, रिपब्लिक पे देखा, ANI पे देखा, ABP पर देखा, हर चैनल पर मैंने उसको बैठे देखा। कपिल कुमार हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हिस्ट्री इन एग्नू यूनिवर्सिटी, उसने एक स्वर में पहले से प्रथम जहां पर ऑब्जेक्शनेबल चीज ही, जहां पर तकलीफ वाली बातें थी, उसने लाइन वाइज हर चैनल पर अपने आप को प्रदर्शित किया। चाहेंगे आप अरविंद सिंह जी उस राजघराने से हैं, आपको मुंबई में लाकर बता सकता हूं वो क्या राय रखते हैं। महाराणा प्रताप को बनाने में काफी बता दें, वीर शिवाजी पर फिल्म बनाओ हमें गौरव होगा, जीजाबाई पर फिल्म बने मुझे तो बहुत बड़ी खुशी होगी, पर फिल्म वो बने जो इतिहास सम्मान। और इसके लिए हमने एक सुझाव दिया था, जब बंसाली ने तालियां बजाते हुए बच्चे लोगों के बीच में अपना सिर डाल दिया, थप्पड़ खा दिया, इतिहास पर बनने वाली हर फिल्म पर एक प्री सेंसर बोर्ड हो, दो साल में तीन फिल्में बनती हैं, एक साल में डेढ़। इतिहास पर अभी बनी थी ना बाहुबली, दुनिया के रिकॉर्ड बनाए उसने कमाई में, किसी को ऐतराज? 60% फिल्म वो क्षत्रिय पर राजपूत पर थी, किसी को दिक्कत? मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत नहीं। बनाई जाए फिल्म, बार बार बनाई जाए, उस इतिहास को साक्ष्य रखकर कौन मना कर रहा है? पर इतिहास का ये विखंडन तो अब नहीं होगा, बहुत बर्दाश्त करा। जोधा अकबर मेरे गुरु थे, डॉक्टर भार्गव, 50-60 साल पहले तो इतना नहीं पढ़ा था, और उन्होंने स्पष्ट कहा, बच्चे लोगों मुंबई में बैठे ये पैसे वाले लोग इतिहास को नए सिरे से विवेचना दे रहे हैं, कभी लायक हो जाओ तो रोक देना। हम लायक हैं या नालायक ये तो इतिहास लिखेगा, पर जोधा अकबर हमने पहली बार प्रयास किया, देश प्रदेश पे नहीं चली, हम प्रयास कर रहे हैं ये पद्मावती या पद्मावत पूरे देश में नहीं चली।